आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्र, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम वार्सो घेटो की बात करेंगे, द लिक्विडेशन ऑफ वार्सो जिसको बोला जाता है। अब घेटो नाम देख के ही आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात करने वाले हैं, हम यहूदियों की बात करने वाले हैं। देख सकते हैं दोस्तों छोटे छोटे बच्चे, औरतें और सब लोग ऐसे लाइन से खड़े हुए हैं और ये जो गार्ड्स हैं देख रहे हैं, कितनी बेरुखी से देख रहे हैं। आज तक के इतिहास का सबसे काला चैप्टर द ज्यूइश होलोकॉस्ट की शुरुआत यहां से हुई थी। तो ज्यूइश होलोकॉस्ट पर मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है, लाखों लाखों लोग उसे देख चुके हैं, आप जरूर देखिए किस तरीके से हिटलर एकदम पागल हो गया था और उसने बहुत लोगों को मार दिया। स्पेशली 50 से 60 लाख ज्यूज को तो उसने बिल्कुल साफ कर दिया, पूरी पॉपुलेशन को, जहां जहां वो फैले हुए थे उनको पकड़ो मारो। वैसे यहूदियों से जो हिंसा है ये बहुत सालों से, ठीक है, बहुत सालों से, बहुत वक्त से, जब से सभ्यताएं शुरू हुई हैं, ठीक है, और उसके बाद जब से देश बनना शुरू हुए हैं, जब से साम्राज्य बनने शुरू हुए तब से उन पे बहुत ज्यादा बर्बरता की जा रही है। उनको कहीं इधर भगाया, कहीं उधर भगाया, इस देश से कहीं और गए वो, और उनका ये जो श्राप है जीसस क्राइस्ट वाला, ये पीछा नहीं छोड़ रहा है उनका, ठीक है। तो आज हम वार्सो घेटो की बात करेंगे दोस्तों और बहुत सारी चीजें देखेंगे। सेल एंडस्को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का दोस्तों नोटिफिकेशन आ गया है, लगभग 300 वॉन्ट्स है, जरूर आप उसको टॉप करिए, एसडीएम बनिए। 1500 में आपको स्टडी आईक्यू टेस्ट सीरीज दे रहा है, इसको जरूर लीजिए, टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। ज्यादा जानकारी के लिए स्टडी आईक्यू की वेबसाइट विजिट करिए और आप नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं, नहीं तो www.testiq.in इस वेबसाइट पर आप जरूर जाएं। तो दोस्तों ये देख लीजिए, पूरा यूरोप है, बहुत ही छोटा सा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश और एमपी को मिला दें तब भी इतना बड़ा यूरोप नहीं होगा। अब देखिए ये है जर्मनी, ठीक है, जहां से सब कुछ शुरू होता है, हिटलर शुरू करता है। बेसिकली हिटलर पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है, उस पर मैंने हिटलर की जर्नी, एक एक चीज कैसे हुई वो मैंने बताया है, राइज ऑफ हिटलर करके दो पार्ट में है, 1 घंटे का सेशन आप जरूर देखिएगा। तो जर्मनी से इसकी शुरुआत होती है। अब जैसा कि मैंने बताया कि यहूदियों पर बहुत वक्त से उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, ठीक है, पहले तो उनको उनके देश से खदेड़ा, फिर उसके बाद वो पूरी दुनिया में घूमे, अरब गए, उधर वेस्ट एशिया में वो जाके सेटल हुए, वहां पे उनको थोड़ी बहुत रियायत मिली, लेकिन फिर वहां से खदेड़े गए, फिर रशिया में तो बकायदा पोग्राम्स चलाए जाते थे इनको मारने के लिए। आपको लगता होगा कि खाली हिटलर ने ही ज्यूस को मारा, जी नहीं, जितना जर्मनी ने ज्यूस को मारा है उतना ही रशिया के जार ने ज्यूस को मारा है ना। पोग्राम्स बकायदा इनकी एथनिक क्लिंजिंग होती थी कि खत्म कर दो इन सबको, इनको तो यहां पे रहना ही नहीं है, क्योंकि भैया क्रिश्चियनिटी जो है वो जहां जहां क्रिश्चियनिटी है, आपको पता ही है जीसस क्राइस्ट और ज्यूस का क्या रिश्ता नाता है, वो बिल्कुल जग जाहिर है। तो भैया जहां जहां क्रिश्चियनिटी है वहां इनको छोड़ा नहीं गया। अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि पोलैंड में आए, पोलैंड में यहां पे आके सेटल होते हैं, और उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर टू शुरू होता है तो 40 से 50% जो ज्यूज है वो यहां पे रहते हैं, हालांकि ये पूरे यूरोप में फैले हुए हैं, ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू के शुरू होने तक ये पूरे यूरोप में फैले हुए थे, ठीक है, लेकिन पोलैंड में सबसे ज्यादा इनकी पॉपुलेशन थी। पोलैंड में इसलिए भी दोस्तों क्योंकि पोलैंड के जो लॉस थे, माइग्रेशन लॉस थे, बहुत अच्छे थे, ठीक है। अब हम यहां पे देखते हैं कि हिटलर की सरकार आ गई 1933 में और हिटलर गया पगला, ठीक है। देखिए हिटलर को बहुत लोग हीरो भी समझते हैं और ज्यादातर लोग उसको विलन समझते हैं। हिटलर की कुछ अच्छी बातें थी, ज्यादा बुरी बातें थी। अब ये आपको अथॉरिटी कोई नहीं देता है कि आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन को ही साफ कर दो, जहां जाओ आप कत्लेआम मचाओ। तो हिटलर ने यही किया, वो जहां गया उसने कत्लेआम मचाया, लेकिन भारत के लिए बहुत अच्छा था, है ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था हिटलर, भारत के लिए, भारत की आजादी में दोस्तों हिटलर का बहुत बड़ा रोल है। शायद एडोल्फ हिटलर नहीं होता तो भारत को आजादी नहीं मिलती, ठीक है ना, क्योंकि इधर वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ, इधर ब्रिटिश की हालत खराब हुई। तो यहां पे दोस्तों हम देख रहे हैं कि हिटलर तो पगला गया था, ज्यूस से बहुत ज्यादा नफरत करता था। अब इसमें दोस्तों दो मत हैं, एक मत यह है कि हिटलर का दिल टूट गया, हिटलर किसी यहूदी लड़की से प्यार करता था और उसने उसको धोखा दिया। आपको पता ही है दोस्तों, अगर धोखा प्यार में मिलता है तो हमको उस पर्सन से क्या, हमको उसके पूरी जो उसकी उसका ग्रुप होता है, ठीक है ना, जिस कास्ट से, जिस संप्रदाय से वो आती है, उन सबसे नफरत हो जाती है। तो ऐसे ही हिटलर के साथ हुआ, ये कहानी है, ठीक है, ये कितनी सच है पता नहीं। दूसरा जो कि बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिकेटेड है, वर्ल्ड वॉर वन में ज्यूस का बहुत बड़ा हाथ नहीं था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी हारा था,
ठीक है, जर्मनी वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू में लीड कर रहा था, एक्सेस पावर में था जर्मनी, लीडर था, तो वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी को हार झेलनी पड़ी। अब हिटलर का यह बोलना था कि जर्मनी को हराने वाले ज्यूज हैं, इन्होंने पार्ट नहीं लिया, इनका अपना पैसा था, ज्यूज ने अपना जो पैसा है, ज्यूज बड़े टैलेंटेड होते हैं, ठीक है। इसराइल में देखिए दोस्तों, इतना छोटी सी कंट्री है, आपको मैप में दिखेगा भी नहीं कहीं इसराइल, लेकिन इतना पिद्दी सा देश है वो, अगल बगल में सीरिया है, बगल में जॉर्डन है, सब जगह सिविल वॉर चल रहे हैं, बगल में अरब है, लेकिन इसराइल एकदम बढ़िया है, वहां पर बहुत सारी टेक्नोलॉजी का मतलब नए नए इनोवेशन होते हैं, सारी कंपनीज वहीं इन्वेस्ट करती हैं, और भारत का भी बहुत अच्छा दोस्त है। तो ज्यूज जो है ना, बड़े टैलेंटेड होता है, बड़ी मेहनत करता है, बड़े मेहनती लोग होते हैं, है ना, और ये उनका खुद का पैसा था। तो अब हिटलर ने ये बोलना शुरू किया कि वर्ल्ड वॉर वन में इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, ठीक है। तो ये दो व्यूज हैं, हालांकि दूसरा बहुत ज्यादा माना जाता है, जर्मनी जो वर्ल्ड वॉर वन में हारा, हिटलर ज्यूज को प्रॉब्लम मानता था, उन्हीं की वजह से ही हुआ, और ऊपर से ज्यूज थे माइनॉरिटी में। अब दोस्तों, कोई भी जेनोसाइड होता है वो मेजॉरिटी वर्सेज माइनॉरिटी के ही ऊपर होता है, माइनॉरिटी को साफ कर दो, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, और एक्सट्रीम नेशनलिस्ट था हिटलर, और उसने पूरे जर्मनी को यह बता दिया कि तुम्हारा खोया हुआ सम्मान मैं लौटा दूंगा। अब इसमें बहुत सारे इवेंट हुए दोस्तों, आप मेरा राइज ऑफ हिटलर पे पूरा लेक्चर देखिएगा, बैकग्राउंड आप समझ गए, बहुत ही बढ़िया। अब हम आगे चलते हैं। अब सबसे पहले आप देखिए कि जर्मनी से बॉर्डर शेयर करता है पोलैंड, तो जर्मनी सबसे पहले किसको इन्वेड करेगा, पोलैंड। पोलैंड को हराया, बेल्जियम को हराया, नेदरलैंड को हराया, सबको हराता गया, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर को तो बहुत ही आसानी से हरा दिया था, केवल और केवल ब्रिटेन था, फ्रांस को भी हरा दिया था, ठीक है। फ्रांस और ब्रिटिश की सेना कैसे डंकिर्क से भागी थी अपनी जान बचा के, उस पर बेहतरीन मूवी क्रिस्टोफर नोलन ने बनाई, आप जरूर देखिएगा। केवल और केवल यूरोप में ब्रिटेन था जो लड़ रहा था, रशिया पहले तो हिटलर के साथ था, ठीक है। स्टालिन जो था एक और हत्यारा, स्टालिन की भी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, तो स्टालिन और हिटलर ने पहले तो पैक्ट किया, ठीक है ना, कि कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं जीतूंगा वर्ल्ड वॉर टू, जब मेरा पूरी दुनिया पे कब्जा होगा, तो यूरोप का कुछ पार्ट मैं तुमको दे दूंगा, तो रशिया बहुत ज्यादा खुश। लेकिन दिक्कत यह हुई कि ऑपरेशन बारबोसा के तहत रशिया पे ही हमला कर दिया, ब्लिट्स क्रीक जो टेक्निक थी हिटलर की, तो ये सब कुछ चलता है। अब मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआती हुई थी पोलैंड पे इन्वेजन से। अब पोलैंड में कौन रह रहा है, आधी से ज्यादा पॉपुलेशन यहूदी है। पहले तो जर्मनी में यहूदियों को मतलब इन्होंने मारना शुरू किया, उसके बाद पोलैंड में गए, और ये जर्मनी में तो जब से हिटलर की सरकार आई थी तब से यहूदियों के ऊपर डायरेक्टली तो नहीं मार रहे थे, लेकिन बहुत बर्बरता कर रहे थे, वो दुकान नहीं चला सकते थे, वो कहीं पे जो अगर यहूदी काम करते थे उनको नौकरी से निकाल दो, जबरदस्ती उनको मारा जाता था, तो बड़ी दिक्कत थी। अब हम ये देखते हैं दोस्तों, जो वारसो का लिक्विडेशन होता है इसके तीन चरण हैं, इनफैक्ट जो ज्यूश होलोकॉस्ट है इसके तीन चरण है, तीन फेज में ये हुआ। सबसे पहले तो सितंबर 1939 वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत हो गई, जब जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड किया, यहां से वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत हो गई। अब जब जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड किया तो हम ये देखते हैं कि यहां थे ज्यूस, तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी क्या थी कि इन यहूदियों को ढूंढो, जहां जहां है इनको ढूंढो, इनको इकट्ठा करो। दूसरा चरण यह था कि इनको एक जगह पे इकट्ठा कर दो, हम एक बहुत बड़ा डिटेंशन सेंटर बनाएंगे जिनको गेटोज बोला गया, वहां पे सबको डाल दो। गेटो का मतलब क्या होता है, स्लम एरिया, बेसिकली शहर का वो एरिया जो सबसे खराब हो, ठीक है ना, वो नीचता के लिए यूज किया जाता है गेटो जो वर्ड है, बहुत ही नेगेटिव वर्ड है वो। तो एक बहुत बड़ा डिटेंशन सेंटर बना के ठूस दो सारे ज्यूज को। और तीसरा और आखिरी 1942 में सबसे दर्दनाक फाइनल सोल्यूशन, इन छोटे छोटे ज्यूज को जो बेचारे मतलब जो बच्चे थे और औरतें थी और कितने बूढ़े थे, इन सबको मार दो, एक भी बचना नहीं चाहिए। अब इसके लिए इन्होंने बहुत सारे डिटेंशन सेंटर बनाए, रशिया में भी बहुत सारे थे, ऑशविट्स तो बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो ये तीन चरण में था कि पहले इनको इकट्ठा करो, उसके बाद एक जगह डाल दो, और तीसरे चरण में सबको मार दो, इससे जिससे हम नफरत कर रहे हैं वो साफ हो जाएगा। और पूरी दुनिया में दोस्तों माइनॉरिटी पे यही होता है, ठीक है ना। ये देखिए, याद रखिएगा, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट ये दोनों ही खतरा होते हैं देश के लिए, याद रखिएगा। अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट चले गए तो भी आप खतरे, बहुत खतरा है देश के लिए, एक्सट्रीम राइट चले गए, ऐसे बहुत सारे न्यूमरस एग्जाम्पल्स बड़े पड़े हैं। तो बेस्ट वे क्या है, लिबरल रहो। अब लिबरल मतलब ये नहीं कि देश को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दो, चीजों को देखो कि सही क्या है, इंसानों को कैसे बचाया जा सकता है, उनके लिए अच्छा क्या है, बेस्ट। स्वामी विवेकानंद ने बोला था ना कि इंसानों की पूजा करो, भगवान वहीं मिल गया।
तो ये पूरा बैकग्राउंड क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि हुआ क्या। 1 सितंबर से दोस्तों जर्मन का इन्वेजन पोलैंड पे शुरू होता है, ठीक है। अभी मैंने कुछ तस्वीरें भी आगे, बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें कुछ मैंने लगाई हैं, आपको दिखाऊंगा मैं कितनी बुरी हालत थी। वैसे आप मूवी जरूर शिंडलर लिस्ट जरूर देखिएगा, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन मूवी है। तो 1 सितंबर को जर्मन का पोलैंड में इन्वेजन शुरू होता है और 1 महीने तक चलता है। पूरे सितंबर जर्मनी जो है वो पोलैंड को इन्वेड करता है, अपने कब्जे में लेता है। सबसे पहले क्या कि ज्यूस को पहले छांटो, कौन कौन यहूदी है, ठीक है, उसको पहले छांटो। तो लूटपाट शुरू हो गई, ठीक है, यहूदियों को लूटना शुरू कर दिया और उसके बाद छटाई होने लगी, ठीक है। अब दूसरा चरण दोस्तों क्या था कि एक बहुत बड़ा डिटेंशन सेंटर बनाओ, घेटो बनाओ, समझ रहे हैं ना। तो यहां पे पूरा प्रॉपर डिटेंशन सेंटर शहर के बाहर बनाया जाता है और दोस्तों बहुत ही छोटा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक है ना, वो 3 स्क्वायर किलोमीटर का ही होता है और उसमें सोचिए लाखों लाखों लोग रहते हैं। मतलब आपका जो 3 किलोमीटर का एरिया है, क्या 4 लाख 5 लाख लोग रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम ये देखते हैं कि इस एरिया में जितने लोगों को, जितने ज्यूस को हो सके ठूंस दो, कोई खाना नहीं देते थे ये लोग। बाकायदा कोटा सेट होता था कि किस इंसान को कितना खाना मिलेगा, ज्यूस को खाना ही नहीं मिलता था। आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, जब यहूदियों को कैंप्स में बंद किया जाता था तो यहां पे हम ये देखते हैं कि खाने की स्मगलिंग होती थी। खाने की स्मगलिंग कभी आपने सुनी है? लेकिन खाने की स्मगलिंग होती थी, इतनी बुरी हालत हो गई थी। बच्चों के पास खाने के लिए नहीं था, पीने के लिए कुछ नहीं था, और जरा सा कुछ करेंगे तो जर्मन सोल्जर्स आपको गोली मार देंगे। वैसे जर्मन सोल्जर्स, एसएस ट्रूपर्स, हिटलर की वो सेना जो चोर उचक्कों से, क्रिमिनल से भरी हुई थी, क्योंकि हिटलर ने क्या किया था, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे उनको सजा देने की ठान ली थी। भैया अल्बर्ट आइंस्टीन भी निपटी जाते इसमें, वो भी तो ज्यू थे ना, अल्बर्ट आइंस्टीन भी निपटी जाते। तो 1939 में हम ये देखते हैं वार्सो में, वार्सो जो कि पोलैंड की कैपिटल थी, ठीक है, और वहां पे घेटो सेंटर्स बनाए जाते हैं। 1940 तक ये बन के तैयार हो गए और बहुत बड़े बड़े गेट्स लगाए गए, 10 फीट की वॉल थी, गेट्स लगाए गए। उसके बाद हम ये देखते हैं कि सारे यहूदियों को पकड़ के यहां पे ठूस दिया गया, उनके घर से निकाल के। अब यहूदियों में दोस्तों बहुत लोग थे, ठीक है, इसमें एक्टर्स थे, इसमें बहुत अमीर लोग थे, बिजनेसमैन थे, डॉक्टर्स थे, टीचर्स थे, लेकिन एक ना किसी की सुनी गई, ठीक है। शुरू में तो डिटेंशन सेंटर पे काम भी कराया जाता था, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए, ठीक है। नवंबर आते आते दोस्तों, 1940 आते आते, ठीक है, ये जो सेंटर था, डिटेंशन सेंटर थे, जो घेटो था, ये बाहरी दुनिया के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। मतलब अब जो और देश है उनको कभी भी नहीं पता चल पाएगा कि यहां हो क्या रहा है। और जब 1945 में दोस्तों ये डिटेंशन सेंटर को जब आजाद करे, मतलब जब सारे मुल्कों ने मिलके, जब जो एलाइड पावर्स थी उन्होंने जब इन डिटेंशन सेंटर्स को खोजा, तो जो कंडीशन थी देख के उनके होश उड़ गए। इतनी बुरी तरीके से यहूदियों को रखा गया था, वो सिर्फ एक हड्डी का ढांचा हो गए थे। इतनी कितने दिन हो गए थे, कितने महीने हो गए थे, उनको खाना नहीं मिला था, बहुत बुरी हालत थी, ठीक है। अब जैसे जैसे दोस्तों वक्त आगे बढ़ता है, वैसे वैसे रेफ्यूजीज की संख्या बढ़ती गई। जैसा कि मैंने बताया कि सबको पकड़ो, वार्सो में डाल दो, जितने भी पोलैंड में ज्यूज हैं वार्सो में पकड़ो। और इधर हम देख रहे हैं कि और भी डिटेंशन सेंटर बनने के काम शुरू हो गए। तो ये सब कुछ हुआ, उसको यहां पे रखा गया और यहां पे बहुत इनसे काम करवाया जाता था, बड़ा हार्ड लेबर इनसे करवाया जाता था। और ज्यूज अपनी प्रेयर्स नहीं कर सकते थे, ठीक है, बिल्कुल बैन था, वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे ज्यादा, बाहर तो बिल्कुल अगर गए तो सीधे गोली मार देते थे। तो बड़ी बुरी हालत थी, खाने की भी बहुत ज्यादा दिक्कत थी, ठीक है, ज्यूज को खाना भी बिल्कुल नहीं दिया जाता था। 180 कैलोरी तक बस आप खा सकते थे, एक ज्यू के लिए राशन था 180 कैलोरी दोस्तों। एक ब्रेड और बटर खाएंगे तो उसमें भी मतलब उतना ही है, समझ लीजिए पूरा दिन का। अगर आप कोई 180 कैलोरी बोले, बहुत कम होता है, ठीक है, मतलब गए आप काम से, हफ्ते भर आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, भूखमरी से मर जाएंगे। तो बहुत सारे ज्यूस तो भूखमरी से मरने लगे, बहुत लोगों को बीमारियां लग गई, ठीक है ना, काफी यहां पे बीमारियां भी थी। कंडीशन इतनी खराब थी, गंदगी इतनी ज्यादा होती थी कि बहुत सारे यहूदियों को बीमारियां लग गई। अब इसमें, इस डिटेंशन सेंटर में खाली यहूदी नहीं रहते थे, इसमें और भी पॉलिश पीपल भी रहते थे, जो पॉलिश थे वो भी रहते थे, जर्मन्स भी रहते थे, जो जर्मन यहां पे इनके खिलाफ, हिटलर के खिलाफ लड़ रहे थे, उनको भी यहां पे बंद किया गया था। सब प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे और सबको टॉर्चर किया जाता था, लेकिन ज्यूस को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था। पॉलिश और जर्मन्स को फिर भी ठीक ठाक ट्रीटमेंट मिलता था, उनको खाना ज्यादा मिलता था, ज्यूस को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था, ठीक है। और ये 3 किलोमीटर का बस एरिया था, 3 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था। अब इसमें आप देख लीजिए दोस्तों, 3.5 से 4 लाख लोग इतने छोटे से एरिया में डेफिनेटली मरेंगे।
आपके पास कोई चारा नहीं, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए सिर्फ 184 कैलोरीज आप खा सकते हैं, और जो पोल्स थे, जो पोलिश थे, वो 700 कैलोरी तक, और जर्मन्स ढाई, मतलब भरपेट खाना 2500 कैलोरी तक खा सकते हैं। और ये जो गेटो सेंटर्स थे इसमें बार्ब्ड वायर होती थी, आप भाग नहीं सकते थे, भागते तो आपको मार दिया जाता। एक बार दोस्तों ऐसा भी होता था कि अगर मान लीजिए कि किसी रूम किसी ने भागने की कोशिश कर वो कामयाब हो गया, तो उसकी सजा 15-16 लोगों को दी जाती थी जो उसके साथ रहता था, सबको मार दिया जाता था। लेकिन शुरू में ज्यूस को नहीं मारा, हिटलर बहुत ज्यादा चालाक था, हद से ज्यादा चालाक। हिटलर ने शुरू में ज्यूस को नहीं मारा, हिटलर ने धीमे धीमे ये काम किया, है ना। शुरू में तो यहूदियों को पता ही नहीं था कि हमको मार दिया जाएगा या हमारे साथ एक्स्ट्रा सॉल्यूट किया जाएगा। और आपको बता दूं कि बाद में जब फाइनल सॉल्यूशन ऑपरेशन लॉन्च होता है, ठीक है, 1942 में, कि ये पूरे जितने भी हैं सबको ये एथनिक क्लेंजिंग करो और एक भी बचना नहीं चाहिए, तो आपको पता ही है कि आप मारे कैसे, तो गैस चेंबर्स बनाए जाते थे बड़े बड़े, ठीक है ना, और गैस से, जहरीली गैस होती थी, उनसे मार दिया जाता था। ये जीव उसको बिल्कुल भी नहीं पता होता था कि उनके साथ ये हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको जाननी है कि ज्यूस को यहाँ पे कानो कान खबर नहीं हुई थी, कानो कान खबर नहीं थी कि जर्मन हमारे साथ ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा किया उन्होंने। फिर दोस्तों हम ये देखते हैं, खाने को नहीं था, ये मैं बता ही चुका हूं कि फूड स्मगल होते थे, बहुत ज्यादा दिक्कत थी, स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत थी। उसके बाद हम ये देखते हैं दोस्तों कि और ज्यादा डिटेंशन सेंटर बनने लगे। अब जब डिटेंशन सेंटर बनने लगे तो वारसो से निकाल के इनको, जितने भी ज्यूज हैं, इनको डिटेंशन सेंटर भेजा जाने लगा। अब ऑपरेशन फाइनल सॉल्यूशन लॉन्च होता है, ठीक है, 1942 में। क्या था कि इन सबको ट्रेन में बैठाओ, और ये ट्रेन कौन सी होती थी, ये वो वाली ट्रेन नहीं जो हम लोग, जिससे हम लोग जाते हैं, ये कैटल कार्स होती थी, इसमें जानवरों को भेजा जाता था। पता कैसी होती थी, एक ऐसे कैरेज होता था, उसमें सिर्फ एक खिड़की होती थी, सिर्फ एक खिड़की। और ये बहुत गर्मियों के दिन थे दोस्तों, अप्रैल की बात हो रही है, सॉरी ये जुलाई अप्रैल उन सब की बात हो रही है, ठीक है ना, अक्टूबर आते आते भयंकर गर्मी। तो यहां पे हम ये देख रहे हैं कि खाली एक खिड़की होती थी, और अगर कैरेज की कैपेसिटी इसमें खाली 30 लोग आ सकते हैं, तो इसमें 60 लोगों को भर दिया जाता था। टॉयलेट नहीं थी, एक बाल्टी रखी होती थी, इतनी बुरी हालत थी दोस्तों, कितने लोग ऐसे ही दम घुटके मर गए। और ऐसे कैरेजेस थे, और इनको ट्रेन से ले जाया जाता था और डिटेंशन सेंटर में छोड़ दिया जाता था। और वहां पे फिर बताया नहीं जाता था कि बेटा तुम्हारा क्या होने वाला है, वरना तो अपराइजिंग हो जाती ना, अरे भैया ज्यूस फिर मिलके मारने लगते सबको, तो बताया नहीं जाता था क्या होने वाला है। तो होता क्या था कि जैसे ही डिटेंशन सेंटर जाते, इनकी काउंटिंग होती, और उसके बाद इनको चेंबर में रखा जाता, फिर रात में सबको इकट्ठा किया जाता, सबके कपड़े उतारे जाते, चेंबर में ठूंस दिया जाता, और उसके बाद जहरीली गैस छोड़ दी जाती, साइलेंट डेथ थी, कार्बन मोनोऑक्साइड, हर कोई मर जाता। और ऐसे बहुत सारे, यहीं से ही ज्यूस होलोकॉस्ट की शुरुआत होगी। और 1945 आते आते 60 लाख ज्यूस मर गए, अब तक इतिहास का सबसे काला चैप्टर। 2 घंटे में 3000 लोग मरते थे, तो ये तो साफ करने का बहुत अच्छा तरीका है, सबको मार दो, है ना, 2 घंटे में 3000 लोग मर रहे हैं, आसानी से मारो, तो इसीलिए हिटलर ये चाह रहा था। अच्छा, यहां पे एक और चीज बताना चाहता हूं कि हिटलर ने कभी ये नहीं बोला कि ज्यूस को मार दो, इतना चालाक था वो, बहुत चालाक था, उसने कभी ऑर्डर नहीं दिया। ज्यूइश होलोकॉस्ट का उसने कभी ऑर्डर ही नहीं दिया, इनके ऑफिसर्स करते थे, समझ रहे हैं, ताकि भैया मैं बच के निकल जाऊं, बहुत चालाक था हिटलर। अब आप सोचेंगे कि जर्मन में सब लोग पागल थे, बिल्कुल नहीं दोस्तों। एक चीज बता दूं, इंसान फंडामेंटली गुड है, कॉन्फ्यूशियस ने बोला था ना, इंसान अच्छा है, ठीक है, 20 में से 18 क्या 19 इंसान अच्छे होते हैं। अगर कोई इंसान सड़क पे पड़ा हुआ है तो 20 में से 18 लोग उसकी मदद करने की सोचेंगे, नहीं करते हैं वो, बहुत सारे उसके टेक्निकल रीजंस होते हैं, करनी चाहिए वैसे तो, इंसानों का दिल अच्छा होता है। कुछ लोग जो बुरे होते हैं वो दिक्कत करते हैं। जर्मन्स भी बुरे नहीं थे, इन द सेंस कि उसमें ज्यादातर लोग मदद करना चाह रहे थे, और इनफैक्ट हिटलर की सरकार में ही बहुत लोग ऐसे थे कि जो हिटलर को पागल समझ रहे थे कि क्या कर रहे हैं, लेकिन कभी भी कोई आवाज तक उठाता या हिटलर को भनक तक लग जाती, उसको वहीं मरवा देता था हिटलर, तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसी में दोस्तों अक्टूबर 1942 में एक अपराइजिंग होती है, जिसको वारसो अपराइजिंग बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था दोस्तों कि जब ज्यूस को डिटेंशन सेंटर्स भेजना शुरू किया, ठीक है, तो ज्यूज ने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी। बेसिकली इनकी 2 ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन ZOB, ज्यूइश कॉम्बैट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें काफी लड़ाके थे, और इनका यही था कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हत्याकांड चल रहा है और हम सबको मारेंगे, ठीक है। तो ये चीज थी। तो यहां पे हम ये देखते हैं दोस्तों कि ट्रेबलिंका, ये जो डिटेंशन सेंटर है, यहां पे ले जाया जाता था एक्सटर्मिनेशन के लिए, मारने के लिए। तो क्या हुआ कि
वार्सो घेटो से फर्स्ट राउंड में बहुत लोगों को ले जाया गया, ठीक है। तकरीबन हम ये देखते हैं कि 2.5 लाख के करीब लोगों को ट्रेवलिंग का ले जाके मार दिया गया वार्सो से। तो यहां पे दोस्तों जब फर्स्ट राउंड में इनको ले जाया गया तो बचे कितने यहां पे 55 से 60 हजार। अब आर्मी जो थी, जो पुलिस वाले थे जर्मनी के, और जो फोर्सेस थी वो बिजी थी यही एक्सपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट करने में, डिपोर्ट करने में, ठीक है, कि इनको कैसे वहां तक ले जाया जाए। अब इधर देखते हैं हम वार्सो घेटो में, यहां पे 55 से 60 हजार ज्यूज रह गए थे। तो ZOB ने एक अपराइजिंग करने की कोशिश की, जर्मन से लड़ाई लड़ी, जनवरी अपराइजिंग इसको बोला जाता है, 18 जनवरी 1943, जैसे ही नेजीज आए, जैसे ही नाजीज आए और नाजीज ने एंटर किया वार्सो घेटो में, तुरंत यहां पे गोलियां चलानी शुरू कर दी। और ये गोलियां जो है, ये बंदूकें जो है स्मगल की गई थी, और यहां पे ZOB ने बहुत ही बहादुरी से मुकाबला किया। दो थी, एक ZOB और एक और इनकी ऑर्गेनाइजेशन थी जो लड़ रही थी, बहुत बहादुरी से मुकाबला किया। और जनवरी अप्रैल आते आते तक यहां पे बहुत सारे जर्मन्स को मार दिया था। इनफैक्ट जो वार्सो में सेंटर था वहां पे ज्यूज ने अपना झंडा तक लहरा दिया था। लेकिन फिर जब एडोल्फ हिटलर को पता चला, जब जर्मन फोर्सेस को पता चला, तो उसके बाद वो वापस जाती है, और हेनरिक हाइमलर, ठीक है ना, जो SS फोर्सेस का लीडर पागल इंसान, वो जब जाता है अप्रैल 1943 में, ये जो अपराइजिंग है इसको पूरी तरीके से दबा दिया जाता है और सबको मार दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज है और बहुत लोग इसमें मारे गए। अब अल्टीमेटली दोस्तों हम ये देखते हैं कि 1945 में जब हिटलर हारता है तब चीजों को कंट्रोल में किया जाता है, ठीक है। अब देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से ज्यूज जो है वो जाते थे, इस तरीके से इनको पूरा लाइन बनाकर, इनको कुछ नहीं पता होता था, अगल बगल ये सब सिपाही चलते थे। जब ये लोग जाते थे तो बगल में जर्मन्स अगर खड़े रहते थे तो बोलते थे गो बैक ज्यूज, ऐसे नारे लगाए जाते थे, और बहुत बुरा लगता था कि इतने सालों से तो हम यहीं रह रहे हैं, एकदम से क्या हो गया। ये देख लीजिए दोस्तों, ये डिटेंशन सेंटर इस तरीके से होता था, यहां से एंट्री होती थी, ये पूरा बार्ड वायर है, ठीक है, और उसके बाद यहां से पूरा ले जाया जाता था, ये सब कमरे होते थे, ठीक है। तो इस तरीके का होता था, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, ऐसे तो सीन बहुत आम थे वहां पे। ये वो बच्चे हैं जिनके माता पिता कहां गए पता नहीं, यहां पे फैमिली को एक दूसरे से अलग कर दिया जाता, बच्चों को अलग कर दिया जाता था, बच्चों को अलग तरीके से मारते थे। यहां पे एक बहुत बड़ी डिच बना देते थे उन सब में, उस डिच में आग लगा देते थे, गड्ढे में आग लगा देते थे, सारे बच्चों को वहीं फेंक दिया जाता था। बहुत ही पाप किए हैं हिटलर की ऐसी कहानियां दोस्तों की रूह कपा दे, ऐसी मतलब उसने शैतान था एक, ठीक है। तो ऐसे सीन बहुत आम थे, इन बच्चों का कोई नहीं होता था और ऐसे ही रोते रहते थे और अल्टीमेटली मर जाते थे। अब ये देखिए दोस्तों, ये तो एक तस्वीर, एक ऐसी तस्वीर है, ये लड़का मर रहा है, ठीक है, और ये यहूदी है, आप देख सकते हैं इसकी हालत देखिए, ये इतना मतलब ऐसा लग रहा है कि इसको बरसों से खाना नहीं मिला और अपना दम तोड़ दिया इसने, और यहाँ पे बच्चों को देख रहे हैं, इनको भी डर लग रहा है, टेंशन हो रही है कि यार ये मर रहा है क्या करें, लेकिन अगर आप मदद करते तो आपको भी मार दिया जाता। तो ऐसे बहुत सारे जो सीन्स हैं वो हमको देखने को मिले। तो ये दोस्तों वार्सो लिक्विडेशन पे एक लेक्चर था, शुरुआत कहाँ से हुई, ज्यूइश होलोकॉस्ट की मैंने इस लेक्चर में बताया, आप जरूर पढ़िएगा, मेरा लेक्चर जरूर देखिएगा ज्यूइश होलोकॉस्ट पे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।